हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपने बेबी को कौन सा फॉर्मूला मिल्क दिया, कब तक दिया, कैसे बनाया, फॉर्मूला से रिलेटेड ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा जाता है, विच आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज एज अ पेरेंट जब हमें ज़रूरत पड़ती है बच्चे को फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करने की, तो हम चाहते हैं कि हम उसे बेस्ट फॉर्मूला दें जो उसकी ग्रोथ को इम्पैक्ट ना करे, इनफैक्ट उसकी ग्रोथ को प्रमोट करे। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ताकि थोड़ी अवेयरनेस हो सके कि एज अ कम्युनिटी कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। साथ ही हमारी वेबसाइट है बाय द नेम ऑफ momcomindia.info, वेयर यू विल फाइंड ऑल द पेरेंटिंग एंड बेबी केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश, सो डू चेक दैट आउट। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मेरे दो बच्चे हैं, मेरा बेटा हुआ था 2017 में और मेरी बेटी हुई 2021 में। दोनों की ही जर्नी में मुझे एक सर्टेन पॉइंट पे उन्हें फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना पड़ा बिकॉज मेरा ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट नहीं हो रहा था, एंड दोनों के ही टाइम्स पे मैंने अलग अलग फॉर्मूला यूज़ किया। सो, मेरे बेटे के लिए मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था नैनप्रो से, जो नेस्ले ब्रांड का है, उसके बाद मैंने सिमिलैक पे मूव किया, एंड देन फाइनली हमने इन्फा मिल पे जाके सेटल किया। एंड मेरी डॉटर के लिए जब वो पैदा हुई थी, तो उस टाइम पे मेरा ब्रेस्ट मिल्क इनफ नहीं आ रहा था, उसको आने में 3 to 5 days लग गए थे, तो डॉक्टर के सजेशन से हमने उसे नैन एक्सेला प्रो दिया स्टेज 1। ये एक नया फॉर्मूला है, ये मेरे बेटे के टाइम पे नहीं होता था, ये भी नेस्ले ब्रांड का है। एंड देन ये मेरी डॉटर को सूट किया, बहुत ही लाइट फॉर्मूला था ये फॉर अ न्यूबॉर्न, ये मेरी डॉटर को सूट किया, तो वो ही हमने कैरी ऑन किया अभी तक। 1 year की होने के बाद हमने उसे काउ मिल्क इंट्रोड्यूस किया था, बट काउ मिल्क उसको बिल्कुल सूट नहीं किया, जिसकी वजह से वी हैड टू गो बैक टू गिविंग हर फॉर्मूला। तो करंटली भी मैं उसके लिए नैन एक्सेला प्रो यूज कर रही हूँ, बट स्टेज 3। हर फॉर्मूला में एक स्टेज दी होती है डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द बेबी, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली उस स्टेज को अपग्रेड करना पड़ता है जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं। नाउ इस जर्नी में एक पॉइंट पे मुझे सजेशन दिया गया था डॉक्टर के थ्रू कि आप सिमिलैक पे मूव होइए, सिमिलैक थोड़ा सा बेटर फॉर्मूला है बच्चों के लिए, बट बाय दैट टाइम देयर वर न्यूज दैट सिमिलैक को पुल बैक किया जा रहा है, देयर वर सम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, उसमें शायद कोई बैक्टीरिया फाउंड हुआ था, एंड दैट्स वाई मैंने सिमिलैक पे कभी स्विच नहीं किया। आई वॉज हैप्पी टू गिव हर समथिंग दैट इज सेफ। सो गाइस, द बिग क्वेश्चन इज दैट हमारे बच्चे के लिए कौन सा फॉर्मूला बेस्ट रहेगा। इन माई एक्सपीरियंस देर इज नथिंग लाइक बेस्ट फॉर्मूला। जो भी फॉर्मूला मार्केट में अवेलेबल है, अच्छे ब्रांड का है, एक्सपायर्ड नहीं है, आपके बजट को सूट करता है, अगर वो आपके बच्चे को सूट कर रहा है, तो दैट इज़ द बेस्ट फॉर्मूला फॉर योर बेबी, चाहे वो नैन हो, चाहे वो सिमिलैक हो, चाहे वो एनफामिल हो या कोई और हो। आपको बेसिकली ये देखना है कि 3 criteria पे ये फॉर्मूला मेरे बच्चे को सूट करना चाहिए। सबसे पहला, आपका बच्चा उसे डाइजेस्ट कर सके। समटाइम्स आपको सब बोलेंगे कि दिस इज़ द बेस्ट फॉर्मूला, हम तो यही यूज़ कर रहे हैं और देखो हमारे बच्चे की हेल्थ कैसे हो गई, बट जब आप अपने बेबी को वो दोगे तो आप देखोगे उसको सूट ही नहीं किया, मतलब फॉर्मूला लेने से उसको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है, उसको लूज मोशंस लग गए हैं, उसको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। देर इज़ नो पॉइंट गिविंग दैट फॉर्मूला टू योर बेबी। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि फॉर्मूला से आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। काफ़ी सारा फॉर्मूला ऐसे होते हैं जब हम बच्चे को देते हैं तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बच्चे को लगता ही नहीं है, आप देखोगे बच्चे का वेट गेन होना बंद हो गया है या उसका वेट ड्रॉप होना शुरू हो गया है। दैट मीन्स दैट फॉर्मूला इज नॉट सूटिंग योर बेबी, इट इज़ नॉट मेंट फॉर योर बेबी। फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए जिसको देने के बाद आपके बच्चे का एक स्टेडी वेट गेन हो, जैसा कि बेबीज का होना चाहिए। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्या वो फॉर्मूला आपके बच्चे को फुल रख रहा है, मतलब क्या 2 to 3 hours से पहले आपके बच्चे को उस फॉर्मूले की दोबारा ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब है कि वो फॉर्मूला आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइट आपने चूज़ कर लिया है, वो देने के बाद भी उसकी भूख पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो रही है, एंड यू नीड टू गो फॉर अ लिटल स्ट्रॉन्गर फॉर्मूला। सो अगर ये 3 criteria पे कोई भी फॉर्मूला आपकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, वो आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। मेन चीज़ होती है सूट क्या कर रहा है, और सूट क्या कर रहा है वो पता चलता है जब आप थोड़ा ट्राइंग एंड टेस्टिंग करते हो। हमने अपने बेटे के साथ नैन से स्टार्ट किया था, बट नैन उसको काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेट कर देता था, उसको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग भी होती थी, जिसकी वजह से हमने सिमिलैक पे मूव किया, बट हमने देखा सिमिलैक भी बहुत ज़्यादा सूट नहीं कर रहा। फिर हमने एनफामिल पे मूव किया और देखा एनफामिल वो ईजिली डाइजेस्ट कर रहा है, वर्सेस माई डॉटर जो शुरू से ही नैन एक्सेला प्रो को बहुत अच्छे से ले पा रही है, उसको टेस्ट भी अच्छा लगता है, वो पी भी पूरा लेती है, और उससे उसके स्टमक रिलेटेड भी मुझे कोई इश्यूज day 1 से ही देखने को नहीं मिल रहे। सो एज अ पेरेंट मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आई
होप दैट अब आप किसी से नहीं पूछोगे कि हम कौन सा फॉर्मूला लें। आप अपने बेबी की नीड्स को देखते हुए ये देखिए कि कौन सा फॉर्मूला उसको सूट कर रहा है, फिर चाहे आप कोई इंडियन फॉर्मूला दीजिए या आप बाहर से इंपोर्ट कराइए। और एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम फॉर्मूलाज जो हमारी इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं वो काउ मिल्क से बनते हैं। काफ़ी बच्चों को फॉर्मूला इसलिए नहीं सूट करता बिकॉज उन्हें काउ मिल्क एलर्जी होती है, तो वो चीज़ भी आपको चेक हो जाएगी जैसे ही आप फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करोगे। बच्चे उसे पचा ही नहीं पाएंगे, विच विल बी अ साइन फॉर यू दैट दिस इज़ नॉट द राइट फॉर्मूला फॉर योर बेबी। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपका कोई और क्वेश्चन हो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। फॉर्मूला को कैसे बनाना है, फॉर्मूला से रिलेटेड क्या डूज एंड डोंट्स हैं, इस पर मैंने अलग से वीडियो किया हुआ है, मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके उसे चेकआउट कीजिएगा। एंड हमारे चैनल पे आपके पेरेंटिंग रिलेटेड क्वेश्चन के मैक्सिमम आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सर्च बार में उसे टाइप कीजिए एंड फाइंड योर सॉल्यूशन टू योर पेरेंटिंग चैलेंजेस। थैंक यू, बाय बाय।